अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें हम ऐसे मोबाइल फोन्स को रिव्यू करेंगे जो कि हैं तो थोड़े से पुराने, लेकिन इनके अंदर जो हार्डवेयर है वो अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि नए फोन्स को ये आसानी टक्कर दे सकते हैं। आजकल के जो नए फोन हैं उनमें सॉफ्टवेयर फीचर्स आपको कुछ अच्छे मिल जाते हैं जो इन फोन्स के अंदर नहीं है, लेकिन इनका जो हार्डवेयर है वो इतना स्ट्रांग है कि ये इनको आसानी परफॉर्मेंस वाइज टक्कर दे सकते हैं। और इनको पुराने होने का फायदा हमें ये होगा कि एक तो इनके हार्डवेयर अच्छा तो है ही है, लेकिन इसकी जो प्राइस है हमें वो भी थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है नोमी। नोमी हमारा साथ देंगे, मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स साहब, आज हम बात करेंगे LG के जी फ्लेक्स के बारे में, जिसमें हमें मिलता है टॉप टू बॉटम कर्व स्क्रीन। और LG के अलावा ये स्मार्टफोन और किसी कंपनी ने आज के तक नहीं डिजाइन किए। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि इसकी जो कर्व स्क्रीन होने की वजह से इसमें बहुत सी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फोन को जरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं और इसके मेन मेन फीचर्स आपको बताने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जी फ्लेक्स की। अगर हम आए इसके फ्रंट पे आपको तीन चीजें मिलेंगी इस पे, जैसा कि इसके फ्रंट पे एक 2 मेगापिक्सल कैमरा है, उसके अलावा नोटिफिकेशन लाइट है और एक अप्रोक्सीमेटली सेंसर है। उसके अलावा आप बात करेंगे इसकी बैक की, तो बैक में इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है। उसके अलावा आपको पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम आप डाउन बटन मिल जाता है उसके अलावा, एंड उसके अलावा आपको मिलेगी एक फ्लैश लाइट और एक IR सेंसर। बॉटम में राइट साइड पे आपको मिलेगा एक स्पीकर। अगर आप आ जाए नीचे वाली साइड पे इस फोन की, यहाँ पर आपको मिलेंगी तीन चीज़ें, जिसमें एक है चार्जिंग पोर्ट, एक है एंट्री पोर्ट और उसके अलावा आपको मिलेगा एक इसमें माइक। अगर हम बात करें इसकी साइड की, साइड्स में एक साइड पे आपको मिलेगी इसमें सिम ट्रे, जिसमें कि हर टाइम आप सिर्फ एक सिम यूज़ कर सकते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। इस फोन के टॉप पे आपको मिलेगा एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। और उसके अलावा हम इस सबसे जो खास चीज़ इस फोन में वो ये है कि इसकी स्क्रीन कर्व्ड है और उसके अलावा फ्लेक्सीबल भी है। काफ़ी हद तक आप इसको फ्लेक्सीबल कर सकते हैं, फ्लेक्सीबिलिटी कर सकते हैं काफ़ी हद तक इसकी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके फ्रंट पे एक नोटिफिकेशन लाइट है, उसी तरह उसके साथ साथ इसके बैक पावर बटन में भी एक नोटिफिकेशन LED है, जो कि एक खूबसूरत लुक, एक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। गाइस, अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर में, इसके हार्डवेयर सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है वो है इसका प्रोसेसर। इसका प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 का। उसके बाद इसमें आर्डिनो GPU है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें एक बड़ी लार्ज डिस्प्ले आजकल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले इसमें दी हुई है, जो कि 6 इंचज की है। उसके अलावा बात करें हम इसकी रैम की, इसमें 2 GB रैम है, इसमें 32 GB रोम है, जिसमें से यूज़र के लिए सिर्फ 21.5 GB अवेलेबल होती है। LG का ये कहना है कि जो इसकी बैक में सेल्फ हीलिंग है, जिससे छोटे मोटे स्क्रैचेस खुद ही डिसअपीयर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर इसके हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये आता है एंड्रॉइड के साथ, और एंड्रॉइड के इसमें आता है जेलीबीन वर्जन। जेलीबीन जो है एंड्रॉइड का आजकल के लिहाज से थोड़ा पुराना वर्जन हो गया, और अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें जो है किसी किस्म की सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी देखने को नहीं मिलती, जैसा कि LG के काफी फोन में और दूसरी कंपनी के फोन में भी आपको जो है सॉफ्टवेयर की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, यहाँ पर ये किटकैट में ही रहता है। लेकिन इसके ये फीचर काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसमें मल्टीटास्किंग आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप लोग अगर इसके बैक के बटन को होल्ड करके रखें, तो यहाँ पर आप इसके मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह आ जाएंगी जो कि आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग में यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप एक ऐप खोल सकते हैं और नीचे वाली साइड पर भी दूसरी ऐप खोल के आप इनको एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो आपको 3 फिंगर्स, अगर आप किसी कोई भी ऐप खोलते हैं और राइट टू लेफ्ट आप 3 फिंगर्स को स्वाइप करते हैं, तो ऐप जो है आपकी सेव हो जाती है, यानी कि जहां पर ऐप आपने छोड़ी होगी वहीं पर वो सेव हो जाएगी। और जब भी आपने उन ऐप्स को दोबारा वापस यूज करना होगा, तो आप उनको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप उनको स्वाइप करेंगे और वहां पर जो ऐप्स वगैरह आपकी खोलेंगे, और जो ऐप आपने वापस से खोलनी है वो वहीं से जहां पर आपने छोड़ी होगी बिल्कुल वहीं से आपके पास वापस आ जाएंगी। अगर इसके यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक इसमें और इसमें मल्टीटास्किंग का फीचर मिलता है, जो क्या आता है क्यू स्लाइड के नाम से।
क्यू स्लाइड का जो फीचर है इसमें आपको काफी ज्यादा एप्स वगैरह मिल जाती हैं जो आप इनमें यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियोस, इंटरनेट, फोन, कैलेंडर, ईमेल, मेमो, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर, और आपको इसके अलावा भी काफी ज्यादा एप्स मिल जाती हैं। और थर्ड पार्टी एप्स भी आप इसकी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जो क्यू स्लाइड में चल सकती है। क्यू मेमो और क्यू रिमोट इसमें आपको एक अलग फीचर इसका देखने को मिल जाता है जो कि आप IR सेंसर, तो इसके IR ब्लास्टर को यूज करते हुए आप इसका किसी भी टीवी को, आम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल आपके नॉर्मल रिमोट के तरीके से, आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो आपको क्यू मेमो जो है आपको अच्छा फीचर देता है, आप उसको किसी भी तस्वीर के ऊपर आप राइट करके या किसी भी तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं। साथ में अगर इसका देखा जाए तो इसमें एक फीचर आता है जो कि आपको मिलता है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे जो इसका वॉलपेपर है वो लाइव आता है थोड़ा, यानी अगर आप इसको इस तरीके से रखें और आप इस मोबाइल फोन को ऊपर की तरफ मूव करें तो वॉलपेपर भी आपके साथ ऊपर मूव होगा, और अगर नीचे की तरफ मूव करें तो साथ साथ वॉलपेपर भी आपका इसी तरीके से साथ ही मूव करेगा, तो यहाँ पर आपको ये काफी ज्यादा अच्छी फील देता है। दोस्तों हम लोग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कैमरा ऐप की, क्योंकि कैमरा अगर हम खरीदते हैं तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपने मोबाइल फोन में जो है कैमरा पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके कैमरा की बात कर ली जाए तो इसके बैक साइड पे हमें मिलता है इसका 13 मेगापिक्सल का सेंसर, और फ्रंट साइड पे हमें मिलता है 2 मेगापिक्सल का सेंसर। और यहाँ पर अगर हम इसके कैमरा ऐप की बात बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर इसके मोड वगैरह देखें तो हमें नॉर्मल, शॉर्ट एंड क्लियर, डायनेमिक, टोन, पैनोरामा, VR, ब्रश शॉट, ब्यूटी मोड, और इसके अलावा हमें ड्यूल कैमरा, और इसके अलावा काफी ज्यादा हमें एक्स्ट्रा फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें वीडियो मोड में अगर जाएं तो यहाँ पर हमें मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग HD भी करता है, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है, और यहाँ पर हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी बड़े अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। इसमें ऑडियो जूम का फीचर भी है जिसमें ऑडियो जो है वो आपकी बहुत ज्यादा क्लियरली ये रिकॉर्ड करेगा नॉर्मल ऑडियो के मुकाबले में, और इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ किस्म की और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर देखा जाए यहाँ पर फ्रंट कैमरे पर आया जाए तो फ्रंट कैमरा जो है इसका 2 मेगापिक्सल है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके जो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर इजीली कर सकता है, और जो इसमें बैक कैमरा है वो इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है 1080p में। फ्रंट कैमरा के मोड्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ब्यूटी मोड देखने को मिलता है एक ब्यूटी शॉट के नाम से, और इसके अलावा नॉर्मल मोड मिलता है देखने को, और ड्यूल कैमरा के साथ नाइट मोड भी हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक मोबाइल फ़ोन के अगर कैमरा अच्छा हो और उसके अंदर मोड ज़्यादा ना हो तो उसको यूज़ करने में इतना मज़ा नहीं आता, जो कैमरा वगैरह के मोड होते हैं वो उनमें ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि हम मुख्तलिफ तरीके से उनके साथ शॉट्स ले सकें। अच्छा तो अभी जो यहाँ पर आप साउंड सुन रहे हैं ये डायरेक्टली मोबाइल के कैमरा से आ रही है, तो ये इस टाइम पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी किस किस्म की है। दोस्तों आज की इस वीडियो से इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने देनी है कोई सजेशन, आपका कोई फीडबैक है, आपने कोई भी किसी किस्म का सवाल करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे राइट साइड बॉटम पे आपको एक रेड कलर का आइकन मिलेगा सब्सक्राइब का, और उसके अलावा साथ साथ आप बेल का आइकन जरूर क्लिक कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।